हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 6 के डी, ई और एफ पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सिक्स क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस क्वेश्चन में हमें जो नंबर्स गिवन है स्टूडेंट्स, हमें उनको मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उन्हें एक्सप्रेस करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में शो करके दिखाना है। डी पार्ट में हमें गिवन है स्टूडेंट्स, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज टू 1/3। हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और मिक्स फ्रैक्शन में शो करके दिखाना है। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को एज इट इज यहां पर नोट कर लिया, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज टू 1/3। अब ये 4 एज इट इज है, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज। इस मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले हम चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे? 3 × 6 18, 18 प्लस 1 करेंगे तो देखिए यहाँ 19 आ जाएगा और अपॉन में ये 3 है ही। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 4 और ये 3 ये आपस में कट नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहाँ 4 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। तो 4 × 19 करेंगे आपको 76 मिलेगा और यहाँ नीचे 1 है तो 1 × 3 करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो जब इन दोनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 76/3। अब हमें इसको शो करना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो यहां पर हम 76 को डिवाइड करेंगे 3 से। देखिए 3 × 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे आपको मिलेगा 1, यहां से ये 6 कैरी कर लेंगे तो ये बन जाएगा 16। 3 × 5 = 15, 16 में से 15 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा 1। जैसे ही ये रिमाइंडर इस डिवाइजर से छोटा हुआ, अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं। सबसे पहले एक क्वोशेंट यानी के 25 यहां पर आएगा, ठीक है, उसके बाद ये रिमाइंडर यानी 1 यहां पर आएगा, अपॉन में ये डिवाइजर यानी के 3 आएगा। तो डी पार्ट का जो हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट्स, वो है 25 × 1/3। अब हम सिक्स क्वेश्चन का ई पार्ट सोल्व करेंगे। ई पार्ट में हमें गिवन है स्टूडेंट्स, 3 × 1/4 मल्टीप्लाई बाय 6। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को यहां पर एज इट इज नोट कर लिया, 3 × 1/4 मल्टीप्लाई बाय 6। अब पहले तो हमें इनको मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन में शो करना है, तो पहले हम इन्हें मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, पहले हम इसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 4 × 3 = 12, 12 प्लस 1 करेंगे 13, तो यहां देखिए न्यूमरेटर में 13 आ गया, अपॉन में क्या है 4, मल्टीप्लाई बाय 6 एज इट इज। अब ये 6 और ये 4 आपस में देखिए सोल्व किए जा सकते हैं। 4 और 6 दोनों किसकी टेबल में आते हैं स्टूडेंट्स, 2 की टेबल में आते हैं, तो ये 6 और ये 4 काटे जा सकते हैं 2 की टेबल से। कैसे? ये देखिए 2 × 4, यहां पर नीचे 2 बचा और यहां पर देखिए 2 × 3 = 6, तो ये 6 और ये 4 दोनों ही 2 से कटे, 2 × 4 and 2 × 3 = 6। अब न्यूमरेटर में क्या है 13 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 13 × 3 मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 39। यहां 6 के नीचे कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो 2 इस डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2, तो न्यूमरेटर में आ गया 39, डिनोमिनेटर में आ गया 2। अब मल्टीप्लाई तो हमने कर दिया, अब हमें इसको शो करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो हम इस 39 को यहां डिवाइड करेंगे 2 से, 2 × 1 = 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 9 यहां से कैरी करेंगे ये बन जाएगा 19, 2 × 9 = 18, 19 में से 18 अगर आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1। अब जैसे ही ये रिमाइंडर इस डिवाइजर से छोटा हो गया स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको शो कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। सबसे पहले एक क्वोशेंट यानी कि 19 यहां आया, फिर ये रिमाइंडर 1 यहां पर आया, अपॉन में ये डिवाइजर यानी कि 2 आया, तो यही 39/2 यहां पर हमने शो करके दिखा दिया है मिक्स फ्रैक्शन में। और ई पार्ट का हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट्स, 19 × 1/2। एफ पार्ट में हमें गिवन है स्टूडेंट्स, 3 × 2/5 मल्टीप्लाई बाय 8। हमें इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई भी करना है और उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन में शो करके यानी एक्सप्रेस करके भी दिखाना है। तो
तो पहले तो सॉल्यूशन में हमने ये क्वेश्चन एज इट इज लिख लिया, 3:2/5 मल्टीप्लाई बाय 8। पहले तो हम इस मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे? 5 × 3 करेंगे 15, 15 + 2 करेंगे तो यहाँ न्यूमरेटर में 17 आ जाएगा, अपॉन में ये 5 है, ये एज इट इज यहाँ पर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 8 एज इट इज आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 8 और 5 आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 17 × 8 करेंगे तो आपको मिलेगा 136, और यहां डिनोमिनेटर में 8 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 5 × 1 करेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा 5। अब मल्टीप्लाई तो हमने कर दिया है, अब हमें शो करना है इसको मिक्स फ्रैक्शन में, तो इस 136 को डिवाइड करेंगे 5 से। यहां पर हमने आपको ये डिवाइड करके दिखाया है, 136 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 × 10, 13 में से 10 माइनस करेंगे, यहाँ 3 बचेगा, ये 6 यहाँ पर कैरी कर लेंगे, ठीक है, ये बन गया 36। अब 5 × 7 = 35, 36 में से 35 माइनस करेंगे 1 बचेगा। अब जैसे ही ये रिमाइंडर इस डिवाइजर से छोटा हुआ स्टूडेंट्स, अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके दिखा सकते हैं। सबसे पहले क्वोशेंट यानी कि 27 यहाँ आएगा, उसके बाद ये रिमाइंडर 1 यहाँ पर आएगा, अपॉन में ये डिवाइजर यानी के 5 आएगा, तो हमारा फाइनल आंसर एफ पार्ट का आ गया है 27:1/5। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।